जिस तरीके ने पहले अपनी तैयारी कर रहा है, जब भी तोड़ लगड़ के भाई कहें कितने बड़े बांध लगा लिए, चाहे कितने नदियां खतरे रहे हैं, सीधी बात है। नेता बढ़ जाओ, हमको मतलब ना, हमारे जो मुद्दे है ना, कोई उठा लियो, कल ना आप उठा लियो आगे मुद्दा, नाम तो अपने जीवन रंडे मूर्ति भी ना बननी, सारा का सारा क्रॉस कर जाएंगे। जस्सी मीडिया ग्रुप देखने वाले सारे दर्शकों नमस्कार, सत श्री अकाल। दर्शकों, फिलहाल खनौरी बॉर्डर यानी दाता सिंह वाला हरियाणा का गांव है और आगे खनौरी स्टार्ट हो जाता है, उस बॉर्डर पर हम मौजूद हैं। और आपको पता है कि 13 महीने पहले, जब 13 महीने का जब किसानों का आंदोलन चला था, उसके बाद जो सरकार ने है इनकी मांगे मान ली थी, उसके बाद कुछ मांगे जो रह गई थी पेंडिंग छोड़ दी थी, उन मांगों को मनवाने के लिए जैसे भी किसानों ने 13 तारीख यानी 13 फरवरी का जो कॉल दी गई है कि हम दिल्ली दोबारा कूच करेंगे, और जो प्रशासन ने है अपनी तैयारियां कर रखी है, जिस बॉर्डर पर खनौरी बॉर्डर है जो हरियाणा में एंट्री होती है, हरियाणा वालों ने जो अपनी पूरी तैयारियां कर रखी है, सीमेंट के बैरिकेड लगा रखे हैं, लोहे के बैरिकेड है, कंटेनर है, पुलिस प्रशासन और 7 लेयर की जो है यहां पर सिक्योरिटी की गई है। तो फिलहाल हरियाणा के किसान भी यहां पर पहुंचे हैं। बात करें हम बबलू मिर्चपुर की, चाहे कंडेला वाली, चाहे कि वो भी पंजाब से जो किसान आएंगे दिल्ली कूच के लिए, उनके स्वागत के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। तो बातचीत कर लेते हैं उनसे कि किस प्रकार की किसानों की तैयारियां हैं, क्या वो इस बॉर्डर को तोड़ पाएंगे जो प्रशासन ने जो अपने यहाँ पर नाका लगा दिया गया है, आगे नहीं जाने देंगे, क्या इसको वो पार कर पाएंगे दिल्ली, क्या कुछ कर पाएंगे वो। तो बात कर लेते हैं हम किसानों से। ये बैठे हैं कल सुबह यानी 13 तारीख ने दिल्ली कूच की तैयारी है, प्रशासन अपनी पूरी तैयारी कर रहा है, क्यों भाई, और किसान भी अपनी पूरी की पूरी तैयारी कर रहे हैं, जिस तरीके ने पहले अपनी तैयारी कर रहा है, जब भी तोड़ लगड़ के इधर भाई कहें कितने बड़े बांध लगा लिए, चाहे कितने नदियां ने खोद दियो, चाहे भाई 10-10 फुट के, चाहे कितने भी किल गाड़ दियो, इन किला ने पाड़ने भी जाना और सारा ही सौदा करने जाना भाई। कजमा दलकार से सरकार ने भी और प्रशासन ने भाई, किसान अपना हक लेकर आऊगा, 100% लेकर आऊगा भाई। तैयारी पूरी है आपकी भाई? तैयारी तैयारी नहीं, जमाया है तैयारी का, इसने वो पूरी तैयारी जमा दी लगा। तैयारी तो फिर सरकार की भी पूरी है भाई, फिर मार ली तैयारी, उसने तो भी तकड़ी तैयारी कर रहा है। जेसीबी और डॉक्टरों की छुट्टियां जो कैंसिल कर दी गई है, इसका मतलब सरकार है ना, चाहे कुछ भी कर लो, चाहे धरती पलट कर टेक दो, किसान हर धरती है, जब पुरला पाने टेक पलटकन है जी जी, परली साइड भी जानने तैयार हम। डॉक्टरों की छुट्टियों का कैंसिल करने का मतलब समझते हैं आप भाई? वो टूट फूट जाए, मर मर जाए उनका तो, भाई हम तो बलिदान देने खतरे रह रहे हैं, सीधी बात यह है। क्या क्या मतलब क्या किस टाइप का टूट फूट आप कैसे क्या अंदाजा लगा रहे हो? सोच रहे हैं तो आदमी ने मारे हैं अब। अच्छा। छत्तीम गोली खान खतर में मारे, छत्तीम गोली मान खतरी है रहे, हम तैयार हम छत्तीम गोली खान खतर बिल्कुल भाई। अच्छा, एक बार अपनी मांगे जरूर बताइएगा भाई। हमारी मांग है MSP की, जिस टाइम पे 2020 में आंदोलन चले थे ना, हमारी मैन मांग हुआ थी कब्जा माफी वाली, मारी एक स्वामीनाथन ने जो रिपोर्ट है 2006 में बनी थी, एक मारी है, 3 मुख्य मांगे मारी है। अच्छा 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 अच्छा, स्वामीनाथन रिपोर्ट को लेकर कुछ लोगों की आशंकाएं बने रहती कि क्या होता है स्वामीनाथन, एक बार थोड़ा समझाएंगे? स्वामीनाथन में आगरा जो बीज में हम जो धरती में गडो हुआ है ना, जो हमारी लागत से हमारी लागत हो 20,000 रूपए 6 महीने में जी जी, और जब हमारी फसल पक्का तैयार हो जाए हमने मिला 18,000 रूपए, 20,000 तो हमने लगाए दिए उसमें, मजदूरी भी लगाई दी, सबकी में लगाया दिया, हमने मिलता कुछ भी नहीं स्वामीनाथन में। भाई अगर स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू हो जाए ना, जोड़ा हम 20,000 रूपए खर्च कराना प्रति 6 मंथ, यानी कि एक फसल के ऊपर हमने उड़ा है, हमारी आमदनी मिलनी चाहिए, यानी कि 1,00,000 रूपए मतलब किसान मजदूरों के लिए सुविधाएं थी उस आयोग के अंदर। हाँ हाँ हाँ, स्वामीनाथन जो भारत रत्न दिया गया है ना, 3 आदमी मिला है, एक तो चौधरी चरण सिंह आग मिला है जी जी, और एक स्वामीनाथन आग मिला है, और एक आगोर मिला, 3 आग मिला है। वो स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू कर दिया हम, ना मैं चंदी ना कि मैं और चंदा, मैं अपना राज्य सरकार अपना राज्य जमा जी लाकर वोट गिरा भाई सरकार का, पदे बीजेपी ने को नहीं लड़ने, अगर स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू कर दिया है तो बीजेपी। अच्छा, लेकिन सरकार कह रही थी 2022 में आय दुगनी कर दी जाएगी किसान की, नहीं हुई आपकी? किसान तो रोड को पैर रहा भाई, अगर जो आप पहला तो उठा के देखोगे ना, सरकार किसान तो है ना हर रोज आत्महत्या करने लग रहा है, अगर जो आप सालाना दर देखोगे ना किसान की जो मृत्यु हुआ है तो उस 10 गुना बढ़ रही है। हाँ भाई, किसान बताओ कहाँ की करे किसान। अच्छा, इसमें तो तमाम मतलब सभी संगठन नहीं है, कुछ संगठन है जो इसको पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सरकारी है ना, जो सरकारी एजेंट है पहला भी थे, जो सरकार के जो हजरी मारे हैं, जो सरकारी जो संघ के हैं वह कौन है, जो बाकी भाई हमने किसी संगठन का मतलब कौन, हम तो मारे जो किसानी के जो मुद्दे है ना, हमने सिर्फ उसका मतलब है, कोई संगठन हो या ना हो, बाकी किसान बटा हुआ नहीं है ना। ना भाई, किसान नहीं बटा हुआ, नेता बट जाओ, हमको मतलब ना, हमारे जो मुद्दे है ना, कोई उठा लियो, कल ना आप उठा लियो आगे मुद्दा, नाम तो आपके साथ में भी है ना। या भाई,
मूर्ति की बात, ये मूर्ति बनवाने के चक्कर में तो नहीं सब राजनीति चल रही है आप लोग? मूर्ति लगा ले भाई, इसमें कुछ लगा ले, हम तो बलिदान देने खतरे रह रहे हैं। सरकार में हिम्मत होनी चाहिए बलिदान लेने की। जवान ने देखोगे अंगनबाड़ी में लग गया, सब रुकरान देखोगे, डॉक्टर देखोगे, देश का हर एक रोक पाएगी सरकार आपको? ये प्रशासन भाई, सरकार ने तो पहले भी कोशिश करी थी, बाकी भी कोशिश करने लग रही है, सिर्फ कोशिश है और कुछ ना। नाकाम रहेगी, नाकाम रहेगी उनकी कोशिश। आप नाकाम पहले भी रही है, देख लीजिए आप, कल सुबह देख लीजिए 10-11 बजे नाकाम है इनकी बेचारे की भाई। अच्छा, कब तक यहाँ पर पहुँच जाएंगे किसान बल? कल भाई, कल दोपहर तक है। ये जो बॉर्डर है ना, इसने सारा का सारा क्रॉस कर देंगे। बिल्कुल भाई, तो तमाम किसान यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। तो फिलहाल खनौरी बॉर्डर नरवाना से जो एंट्री होती है पंजाब में, वहाँ उस बॉर्डर पर हम मौजूद हैं और लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं कि बबलू मिर्जपुर है, कंडेला वाली ताई है और काफी हरियाणा के जो किसान नेता हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं, पंजाब के भी साथी यहाँ पर पहुंचे हैं और वो सामने आप तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि ये जो बॉर्डर है हरियाणा का जो बॉर्डर है, यहाँ पर पुलिस जो है पूरी मुस्तैद है, भारी संख्या में यहाँ पर पुलिस पहुंची हुई है और हरा ग्रीन पर्दा जो लगाया गया है, इसके अंदर क्या कुछ इनकी कार्रवाई चल रही है, क्या कुछ अंदर इन्होंने जो है बैरिगेट पत्थर के लगाए हैं और कंटेनर वगैरह भी खड़े कर रखे हैं यहाँ पर, काफी मात्रा में जो है अंदर क्या कुछ घपलाबाजी चल रहा है वो तो इन्हीं को पता है। फिलहाल की हम लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, खनौरी बॉर्डर की तस्वीरें जो है आपको दिखा रहे हैं। कल 13 तारीख है, कल की जो कॉल दी गई है के जो किसानों ने दिल्ली कूच करना है, उनका जो 13 महीने जब आंदोलन चला था और उसके बाद जो 13 तारीख की कॉल दी गई है 13 फरवरी को दिल्ली कूच के लिए, जो शासन प्रशासन है, सरकार है, जो उसकी नींद हराम कर दी गई है और बॉर्डर पर आप देख सकते हैं कि ग्रीन पर्दा लगा करके अंदर क्या कुछ इनकी तैयारियां चल रही है और किसानों की जो है उनकी भी पूरी तैयारियां चल रही हैं।